आज करनाल के जाट भवन में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जजपा पार्टी के सरदार इंद्रजीत गोराया कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बीजेपी पार्टी की गलत नीतियों को जनता के सामने उजागर किया। उन्होंने कहा कि आज देश प्रदेश में ना तो रोजगार है और ना ही खाने को रोटी। पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दामों ने महंगाई को सातवें आसमान से भी ऊपर पहुंचा दिया। इसके साथ मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर किसान व कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। बताओ क्या पूछना। जी मैडम जी, आज इंद्रजीत गोराया जी ज्वाइन हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत स्वागत है इंद्रजीत जी का। इन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी, जिसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया था, उससे आज हमें खुशी है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी में अपनी आस्था व्यक्त की है। ये जानते हैं कि किसान मजदूर की लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास इनके आने से हमारी इस लड़ाई में और इजाफा होगा और हम सभी लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। सभी कांग्रेसी एकजुट हुए, क्या रणनीति तैयार की जा रही है? कांग्रेस हमेशा एकजुट है। आपने देखा कि चाहे जमीन पर लड़ाई हो, सभी लड़ते हैं, लोगों की लड़ाई चाहे सदन हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी लोगों की लड़ाई मिलकर लड़ती है। विधानसभा में भूमि कानून पास किया गया, क्या असर देखते हैं प्रदेश के? ये इसका बहुत गलत असर होगा। चाहे कोई भी लैंड ओनर है, रातों रात उसकी जमीन उससे छीन ली जा सकती है एक ऑर्डर से। आपकी जमीन आज के दिन आपकी नहीं है। कभी भी सरकार वो जमीन किसी को देने का फैसला कर ले, और आप जानते हैं कि ये सरकार केवल बड़े कॉर्पोरेट का साथ देती है, आम आदमी का, गरीब आदमी का नहीं देती। ऐसा कानून जो लेकर आए हैं, मैं समझती हूँ कि किसी के भी, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान मजदूर, किसी के भी हक का नहीं है, ये आम आदमी का हित है। ऐसे में कांग्रेस अब क्या करेगी, क्योंकि किसान पहले से हमने इसका कानून कराया है। आगे आने वाले वक्त में करा देंगे। 109 जो जनता के खिलाफ है, जनता के